दोस्तों, आज हम बात करेंगे हर मैच के बाप की, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2018। बहुत ही धमाकेदार मैच कल हुआ, इंडिया और हांगकांग। हांगकांग वालों ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया क्या? 36 रन से इज्जत लूटते लूटते रह गए। प्रैक्टिस मैच समझ के खेल रहे थे दोस्तों, अब कुछ तो कहना है ना भाई। 285 रन बनाए इंडिया ने, शिखर धवन के धमाकेदार 127, राइडू साहब ने भी 60 रन की अच्छी पारी खेली, हमारे डीके जी 33 पे एक लिद सी पारी खेल गए, और महान एमएस धोनी द ग्रेट 2-टाइम वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, आंडे पे गया कल। नॉट टू वरी अगेन फ्रेंड्स, प्रैक्टिस मैच था, कुछ तो कहना है। चलो फिक्सरों के गढ़ दुबई में ये कप हो रहा है, फिक्सिंग की महारत पाने वाले पाकिस्तान टीम आज भिड़ेगी हिंदुस्तान से। लास्ट मुलाकात चैंपियंस ट्रॉफी, पूरी तरह फिक्स्ड फाइनल मैंने अपने चैनल पे आपके सामने एक्सपोज किया था, जिन्होंने नहीं देखा है वो दोनों वीडियो अभी भी अवेलेबल है, फुल मजा लेके देखिए। आज का मैच इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि दोनों टीमें सुपर चार में पहुंच गई हैं, बट बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि फैंस कनेक्टेड हैं, दोनों चाहते हैं कि उन्हीं की टीम जीते। जीतेगा कौन? अच्छी बात यह है कल हिटमैन 22 पर साफ हो गए, 22 या 23 पर, मतलब आज रिकॉर्ड चौथे डबल सेंचुरी का फुल चांस है। गलती से भी हिंदुस्तान को बैटिंग मत देना पाकिस्तान वालों, गलती से भी। और भी चेंजेस होंगे, इतनी गर्मी में मुझे समझ नहीं आ रहा इंडिया को बैक टू बैक गेम्स क्यों खिलाई जा रही है, बट चलो इट्स ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्लेइंग क्रिकेट एंड अर्निंग करोड़ ऑफ रुपीज। बुमराह पक्का वापस आएंगे, भूवी कल थोड़े ऑड लगे पर चलो, वो नया लड़का खलील जो भी नाम है उसका, 3 विकेट लेके इम्प्रेसिव लगा, उसी की वजह से कल लुटिया टूटते रह गई। चहल साहब ने भी 3 ली, हमारे यादव कुलदीप यादव ने 2, तो चलो हार्दिक पांड्या वापस आने चाहिए, केएल राहुल को शायद एंट्री मिले, मेरे हिसाब से धवन को बैठा देना चाहिए था और बैठाएंगे नहीं क्योंकि सेंचुरी मारी है, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट मैच नहीं है, और वो सेंचुरी मारकर ऑलरेडी ही मस्ट बी फीलिंग दैट दोज ब्रूजेस, और आज फिर उसे खड़ा कर देंगे तो उसके लिए बड़ी इनिंग खेलना टफ होगा। चलो एक फ्लाइंग स्टार्ट दे दे, बाकी तुम्हारे हिटमैन जी संभाल लेंगे। भैया हिटमैन बच के रहना, जितने भी गेंदबाज हो, तुम्हारे ही शाहिद अफरीदी ने भविष्यवाणी की है, अगर हिटमैन खड़ा रह गया चौथी डबल सेंचुरी भी मारेगा और पूरी तरह से पाकिस्तान को रौंदेगा भी। अब ये देखना है तुम्हारे पाकिस्तान के जो 2 बल्लेबाज हैं, फ़खर जमान और बाबा आजम, बाबर आजम जो भी नाम है उसका, वो 2 जिम्बाब्वे के आगे चलने के स्पेशलिस्ट, जब बूम बूम बुमराह सामने आता है तो क्या करेंगे? वेरी इंटरेस्टिंग टू बी सीन। चैंपियंस ट्रॉफी याद मत करना, वो फाइनल फिक्स था, फिक्स। अब नो बॉल नहीं करेगा वो, अब शू क्रशर, बूट क्रशर, वो यॉर्कर पता है ना, किसी ज़माने में वकार यूनस और वसीम अकरम मारा करते थे, अब उसकी महारत हाथ में है,
बूम बूम पमरा के बच के रहना हिंदुस्तान के इस तूफान से। मैच से पहले का प्रीव्यू ये रहा, मैच के बाद का रिव्यू लेकर कल फिर से आऊंगा। 6 एशिया कप जीत चुका है हिंदुस्तान, अब तक 13 हुए हैं, 5 श्रीलंका और रो धो के घिस घिस के 2 पाकिस्तान, जिसमें भी आधे मैच फिक्स होंगे। अब तो फिक्सिंग करेंगे भी क्या, बेचारे खेलते ही नहीं, खेलते भी हैं तो दुबई में ही पड़े रहते हैं। तो इन ग्राउंडों की इन्हें अकल ज़्यादा है, बट अकल की शक्ल बिगाड़ देता है हिटमैन। हिटमैन और बुमराह इन दो तूफानों से बच के रहना, क्योंकि ये 1 और 1 11 हैं, 11। कल फिर आऊंगा रिव्यू के साथ। मौका 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 एशिया कप 6-time विनर, इस बार बनेंगे 7-time विनर, हमारी भविष्यवाणी है। और अगर एक भी मैच किया फिक्स, पिछवाड़े में दूंगा 6। कहां पर? पिछवाड़े में। 5-time विनर रसल आर्नल्ड नाच रहा था, इंडिया और पाकिस्तान दोनों से खेलेगा श्रीलंका, उसका बच गया डंका, जल गई रावण की लंका। अब आ रही है श्री राम की सेना को चलने पाकिस्तान को। विश्व के नंबर 1 क्रिकेट एनालिस्ट, नंबर 1 एंटरटेनर, नंबर 1 मूवी क्रिटिक, द ग्रेट लिविंग लेजेंड, द ब्रांड अमित दत्ता। यार एक बात बताओ, ऋषभ पंत क्यों नहीं लिया? अरे भैया वर्ल्ड कप आने वाला है, लड़के ने 5th day में ओवल की पिच पे सेंचुरी मारी, 5th day विकेट पे। महेंद्र सिंह धोनी बजाते रहो बजाते। अरे भैया अगर सब काम सही चल रहा होता तो रवि शास्त्री जैसा मैच फिक्सर 55 की तोंद लेके घूम रहा है, जो ऐसे लगता 8 महीने का बच्चा है अंदर। डेली 1 बोतल शराब चाहिए उसे और 1 लड़की, सुबह और शाम अलग अलग। तो भैया पंत की कहाँ से जगह बनेगी? चलो कुछ बातें कल के लिए भी छोड़ देता हूँ। दी ब्रांड अमित दत्ता, दुआओं में याद रखना पाकिस्तानियों, तुम भी।